ओके गाइस, सो आज के क्लास में लिमिटेशन एक्ट को कंटिन्यू करेंगे एंड विल बी कवरिंग रिमेनिंग सेक्शंस. द सेक्शन नंबर 12, 13, 14, 15 ये सेक्शंस हम करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है. एमसीक्यू तो यहाँ से आता है जनरली. वैसे एमसीक्यू के क्वेश्चन ही बनते हैं, लेकिन सेक्शन 12 से मेंस का भी क्वेश्चन बन जाता है. तो विल डू दैट. एंड सिंपल ही चीजें हैं, बट दो चार चीजें टेक्निकल हैं. विल डू दैट. और सेक्शन 12 जैसे हम बात करेंगे, कुछ चीजें हम बैरेट से करेंगे, कुछ चीजें हमें लिखनी होगी, लेकिन लिमिटेशन एक्ट में मैक्सिमम चीजें जो हैं वो बैरेट से ही आती हैं. एमसीक्यू की बात करें तो क्योंकि बहुत ऐसे लीडिंग केस लॉज नहीं है इसमें जो आपको और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसको डिटेल में याद करना हो. लेकिन जैसे केस सामने लैंड एक्विजिशन का जो केस किया था वो इम्पोर्टेंट था. तो कीप दैट केस लॉ इन द माइंड. नाउ अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, विल टॉकिंग अबाउट द पार्ट थ्री ऑफ दिस लिमिटेशन एक्ट. पार्ट थ्री जो कवर करता है दैट इज कंसिस्टिंग सेक्शन, इसमें 12 से लेकर 24 तक कवर किया गया है. एंड अब ये सेक्शन 12 और 24 जो है, जिसमें है इसके जो टाइटल या मार्जिनल हेडिंग आप कहेंगे, हेडिंग इन फैक्ट नॉट अ मार्जिनल हेडिंग, दैट इज अ डीलिंग विद द कॉम्प्यूटेशन ऑफ द पीरियड. ठीक है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करता है. पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैसे काउंट करेंगे हम ऑलरेडी एक बात समझ चुके हैं. पहले तो हमारे पास एक ऑलरेडी स्केड्यूल है, उसमें लास्ट में आर्टिकल्स जो दे रखे हैं, जिसमें डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि कितना टाइम पीरियड होगा. सूट के केस में मैक्सिमम 3 इयर्स, 12 इयर्स, 20 इयर्स और 30 इयर्स है. एप्लीकेशन में कम टाइम होता है, सिर्फ एक एग्जीक्यूशन का जो बात है वहां पे 12 साल दिया गया है. अदरवाइज एप्लीकेशन में और अपील में तो टाइम कम ही दिया जाता है. और ये जो वर्ड लिखा है कॉम्प्यूटेशन, कॉम्प्यूटेशन मीन्स जब आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पर किसी केस में सूट को फाइल करने का टाइम दे रखा है 3 इयर्स, तो व्हेन यू विल बी कंप्यूटिंग, ये 3 साल तो है लेकिन उसके अलावा कुछ और भी टाइम पीरियड है जिसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है. वाइल काउंटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, देन वी हैव टू एक्सक्लूड सर्टेन टाइम पीरियड, यानी जो भी पीरियड होगा वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा. Then you can come to the conclusion कि ये हमारा exact time होगा. और of course ये बात है, जब हम चीजों को time period को exclude करेंगे तो हमें 3 साल से ज्यादा ही time मिलेगा. जहाँ 3 साल दे रखा है उससे ज्यादा ही होगा. जहाँ पे आपको 3 year के बाद हम बात करें तो 12 years की बात की गई है, 20 year और 30 years, मतलब कुछ additional advantage ही मिलता है. तो ये अब section 12 से 24 तक है. Section 12 की अगर हम बात करें, ये हम बात करता है exclusion of the time. सेक्शन 12 डील करेगा दैट इज एक्सक्लूजन ऑफ टाइम. अभी हम बेरेक तो पढ़ेंगे ही, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू. एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन द लीगल प्रोसीडिंग्स, तो ये बात कर रहा है. इसे कीवर्ड्स को आप ध्यान कर रखना, लीगल प्रोसीडिंग्स. अब लीगल प्रोसीडिंग कौन सी लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है? लीगल प्रोसीडिंग अपने आप में एक वाइडर टर्म है, तो लीगल प्रोसीडिंग को हम कवर करेंगे. तो पहली चीज ये सेक्शन है कंप्यूटेशन के लिए है कि हम कैसे अल्टीमेटली पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करेंगे, कंप्यूट करेंगे. कंप्यूट मतलब गणना करना. तो लीगल प्रोसीडिंग की बात करता है यहाँ पे. अब लीगल प्रोसीडिंग इज अ वाइडर टर्म, इट्स कवरिंग द सूट्स, दावे को कवर करता है. सूट्स यानी सिविल प्रोसीडिंग्स हो गया. देन इट विल बी कवरिंग अपील, इट विल बी कवरिंग रिविजन्स. इसका स्कोप काफी ज्यादा है. रिविजन्स को कवर करता है, रिव्यू को कवर करता है. एंड अगर कोई भी डिसीजन इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड्स के फॉर्म में आ रहा है, अब अवार्ड्स आपको पता होगा, अवार्ड जो होती है क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है, राइट? जैसे आर्बिट्रेटर ने जो डिसीजन दिया है दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अवार्ड. और जो हमारी ट्राइब्यूनल्स जो डिसीजन देती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, उनको भी हम अवार्ड्स बोलते हैं. सो इसका जो स्कोप है लीगल प्रोसीडिंग है मींस इट कुड बी अ सूट, इट कुड बी अपील, रिवीजन, रिव्यू, राइट? और या फिर अवार्ड हो सकता है. तो ये जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड हम सेक्शन 12 में अब काउंट करेंगे, उस चीज को एक्सक्लूड किया जाता है.
से फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं एग्जाम्पल में से अभी 12 का 1 पढ़ रहा हूँ, बाकी हम बेरेट से ही पढ़ेंगे. जैसे सेक्शन 12 का नंबर 1 अगर आपके पास बेरेट होगा तो आप यू विल सी इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट अपील और एप्लीकेशन. जब हम कभी सूट की बात करेंगे, अपील की बात करेंगे, एप्लीकेशन का और पीरियड ऑफ कंप्यूटेशन काउंट करने के लिए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को काउंट करने के लिए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन निकालने के लिए फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन द डे, तो वो किस बारे में बात करता है? डे. डे कौन सा? फ्रॉम विच द पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड. द डे फ्रॉम विच द पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड, ठीक है, जिस दिन से गणना की जाएगी. रिकॉर्ड दैट हैज टू बी एक्सक्लूडेड. एक दिन तो निकलेगा ही निकलेगा. आप ये मान के चलेंगे ये जो एक दिन होगा ये निकलेगा ही निकलेगा. से फॉर एग्जाम्पल, सपोज आज डेट है 1 अक्टूबर 2021, तो इसके 3 साल कब होंगे? मुझे अगर सपोज करो रिकवरी करनी है, मुझे रिकवरी ऑफ मनी करनी है, राइट, रिकवरी का सूट है, मैंने फाइल किया है, करना चाहता हूँ रिकवरी ऑफ मनी, पैसा वापस लेना है मुझे किसी ने, जिसको मैंने दिया तो उसने मना कर दिया वापस देने से, तो कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन से अराइज होगा, उस दिन से मैं सूट फाइल कर सकता हूँ. मुझे 3 साल दिए गए हैं, राइट, 3 साल दिए जाते हैं रिकवरी ऑफ मनी के मामले में. तो 1/10/2021 से 3 साल कब खत्म होंगे? 1/10/2021 से 30 साल, 3 साल जो खत्म होंगे, दैट वुड बी लिमिटेशन पीरियड जो होगा वो हमारा हो जाएगा 30 सितंबर 2021-22-23 पे खत्म होगा, राइट. बट ये जो दिन है 1st of October, दैट हैज टू बी एक्सक्लूडेड. 1st October निकाल दिया जाएगा. यानी अल्टीमेटली लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट क्या होगा? व्हाट वुड बी द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट? कम ऑन, टेल मी फास्ट. एक दिन तो निकाला ही जाएगा. कौन कौन से मामलों में? सूट अपील और एप्लीकेशन, राइट. तो इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है. तो आपको कई बार क्या होगा, एमसीक्यू में एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, यू हैव टू कैलकुलेट इट. आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी उसमें. आप सीधा जैसे ही ईयर खत्म हो रहा है, जैसे 3 साल खत्म हो रहे, एक दिन ऐड कर देना अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है, ठीक है, जहाँ सिंपल सिचुएशन लिखी है. लेकिन सिचुएशन थोड़ी और घुमा के आ सकती है. तो हमारे पास सेक्शन 12 जो है उसके अंदर कितने सब सेक्शन है? It consisting 4 subsections. इन चारों subsection को हमने पढ़ना है. अब जैसे हमने section 12 का जो 1 है, इसमें क्या पढ़ा? Section 12 के 1 में एक दिन को हमने exclude करा, ठीक है. तो आपको इसको आप ऐसे keyword बना दे, day from which such period is to be reckoned. मैं keywords लिख रहा हूँ, reckoned लिख लेंगे आप, ठीक है. जिस दिन वो count होगा वो exclude हो जाएगा, यानी कम से कम एक दिन तो एक्सक्लूड होगा ही होगा. इसका कीवर्ड ये, इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है, एक दिन एक्सक्लूड होगा. और अगर हम आगे चलें, सेकंड जो है इसमें अगर आप सेक्शन 12 का 2 जब आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे इसमें लिखा इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. जब आप लिमिटेशन पीरियड काउंट करेंगे फॉर एन अपील और एप्लीकेशन, अब यहाँ एक वर्ड यूज हुआ अपील और एप्लीकेशन. फॉर लीव टू अपील, अब इसमें भी कई चीजें, एक तो लीव टू अपील है, ठीक है, लीव टू अपील, एंड फॉर रिविजन एंड रिव्यू, अभी आपको पता होना चाहिए रिविजन कहाँ फाइल होती है. रिविजन हमेशा हाई कोर्ट में फाइल होती है, रिव्यू सेम कोर्ट में होती है, राइट. और लीव टू अपील होता है जहां पर हम कोर्ट से परमिशन मांग रहे हैं कि हमें अपील करने का अधिकार दिया जाए. और फॉर रिव्यू और रिवीजन ऑफ अ जजमेंट, अब ये तीनों चीज किसकी? किसी जजमेंट को लेकर, ठीक है. रिव्यू ऑफ अ जजमेंट द डे ऑन विच द जजमेंट्स कंप्लेंट ऑफ वॉज प्रोनाउंस. अब इसमें देखो क्या क्या एक्सक्लूड होगा.
यहां तो हमने एक दिन निकाला, अब यहाँ क्या होगा, जिस दिन जजमेंट, जिस दिन जजमेंट क्या हुई, जजमेंट कंप्लेन ऑफ वॉस प्रोनाउंस, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई, ठीक है, जजमेंट प्रोनाउंस हुई, एंड द टाइम रिक्विजिटिंग फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ द डिग्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपको बनता है, मेन से क्वेश्चन बन जाता है यहां से, द टाइम रिक्विजिट, टाइम एक वर्ड जो यूज हुआ है यह है रिक्विजिट, अब ये रिक्विजिट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा रिक्विजिट, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग obtaining a copy of a degree, obtaining a copy of, अब कॉपी ऑफ किस चीज की, यह भी ध्यान रखना है, डिग्री, देखो यहाँ जो की वर्ड्स लिखे ना इनको आपको माइंड में रखना है, डिग्री, सेंटेंस, और क्या लिखा है, ऑर्डर, ये तीन वर्ड्स लिखे हैं, डिग्री, सेंटेंस और ऑर्डर, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, डिग्री, सेंटेंस और ऑर्डर, उसको कॉपी लेने में के जो जितना टाइम लगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज और रिव्यूड शैल बी एक्सक्लूडेड, यानी कौन कौन से दिन निकले जाएंगे, एक तो जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई, राइट, जजमेंट जिस दिन प्रोनाउंस हुई, यानी एक दिन तो कोर्ट लेगी ना जजमेंट प्रोनाउंस करने में, एक दिन यहाँ निकल जाएगा, और आपने क्या करा, ऑफकोर्स आप जब अपील में जाएंगे तो अपील में ऐसे थोड़ी ना चले जाते, यू हैव टू अप्लाई द सर्टिफाइड कॉपी, जजमेंट लगानी पड़ती है आपको, तो उसको कॉपी को निकलवाने में कितना टाइम लगा, अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, वो एक्सप्लेनेशन में आपको यही बता देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए, इसी सेक्शन के एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे, पहले ये कंप्लीट करते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड द एक्सप्लेनेशन, रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी, ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिग्री, डिग्री कब आती है, डिग्री इज अ, डिग्री कैन बी ऑफ टू टाइप, प्रिलिमिनरी डिग्री और इट कैन बी अ फाइनल डिग्री, अगर हम सीपीसी पढ़ेंगे तो उसमें डिग्री अल्टीमेटली क्या होती है, विच डिटरमाइन द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटी को निर्धारित करती है, वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड डिग्री, राइट, एंड सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किस मामलों में आता है, अरे सेंटेंस उन मामलों में आता है क्रिमिनल में, सेंटेंस मतलब सजा जो दी जा रही है, तो ये जो प्रोविजन है यहाँ पे, अगर आपके पास जब तक कॉपी नहीं है तो आप अपील नहीं कर पाएंगे, आप क्या जा रहे हैं, रिव्यू में जा रहे हैं या रिविजन में जा रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन और क्या है, वर्ड जो यूज हुआ, अपील, एप्लीकेशन और अपील जब आप फाइल कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बात है आपको जजमेंट, आई मीन कॉपी चाहिए होगी डिग्री की, सेंटेंस के अगेंस्ट आप अपील करेंगे या ऑर्डर के अगेंस्ट, तो आपको जब अपील करेंगे या एप्लीकेशन जब लगाएंगे, देन यू वुड बी रिक्वायर्ड द कॉपीज ऑफ इट, जजमेंट की कॉपी चाहिए होगी, और उसको निकलवाने में कितना टाइम लगा, दैट विल बी एक्सक्लूडेड, तो यानी एक तो दे ऐसा दिन जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस ही वह एक्सक्लूड होगा, और बाकी जितना कॉपी को निकलवाने में टाइम लगा, रिक्विजिट, अब कितना टाइम लगा, से फॉर एग्जांपल आज 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को आपने कॉपी के लिए अप्लाई करा, अब कॉपी को निकलवाने में 10 दिन लग गए, 10/10/2021 10 दिन लग गए, तो ये जो 10 दिन का टाइम है, 10 days विल बी एक्सक्लूडेड, 10 days विल बी एक्सक्लूडेड, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, दो चीजें देखो, एक तो होता है कॉपी को, अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी अ डिग्री और एन ऑर्डर, जो भी टाइम लगेगा कॉपी को ऑब्टेन करने में, ऑब्टेनिंग अ व्हाट कॉपी, जो भी हमारा टाइम खर्च हो रहा होगा, ऑफ अ डिग्री और एन ऑर्डर, किस चीज का, डिग्री और ऑर्डर को लेने का, जो भी हमारा टाइम लगा होगा, एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट, अब कोर्ट ने टाइम लिया, किस चीज का टाइम लिया, कोर्ट ने टाइम लिया प्रिपरेशन का, कोर्ट ने किस चीज का टाइम लिया, प्रिपरेशन ऑफ अ डिग्री, प्रिपरेशन ऑफ डिग्री और ऑर्डर को बनाने का जो टाइम लिया, Before an application for copy thereof is made, shall not be excluded. तो ये जो टाइम लगा ना, application लगाने से पहले जो टाइम कोर्ट ने लिया है, ये एक्सक्लूड नहीं होगा, shall not be excluded. अब एक बात समझ लेना, देखो मैंने application लगाई 1 अक्टूबर को,
अब ऑलरेडी अगर इससे पहले कोई टाइम लगा होगा, इससे पहले जो कोर्ट ने टाइम लिया होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर, एक वर्ड यूज हुआ है प्रिपरेशन, तो मैं वैसे समझाता हूँ आपको। एक तो वर्ड यहाँ एक्सप्लेनेशन में वर्ड यूज हुआ है प्रिपरेशन, और अगर आप बात करेंगे 2K2 में वहां लिखा है ऑब्टेनिंग अ कॉपी, ऑब्टेनिंग, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ऑब्टेनिंग ऑफ अ कॉपी यानी जजमेंट तो बन चुका था, अब उसको डिग्री सेंटेंस या ऑर्डर तो ऑलरेडी बन चुका था, उसको लेने में जो टाइम लगा वो एक्सक्लूड होगा, लेकिन कोर्ट ने जो उसको प्रिपेयर करने में टाइम लगा दैट विल नॉट बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, समझ में आई बात? आपके एप्लीकेशन लगाने से पहले, बिफोर एप्लीकेशन फॉर अ कॉपी देयर ऑफ, जो भी टाइम कोर्ट लेती है प्रिपेयर करने में, क्योंकि कोर्ट भी तो जजमेंट और ये सब डिग्री एंड ऑर्डर लिखेगी ना, बट एवर द टाइम हैज बीन कंज्यूम बाय द कोर्ट फॉर प्रिपरेशन, कोर्ट जब प्रिपेयर कर रही है वो टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा, शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड, बट द टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ इट दैट विल बी एक्सक्लूडेड। मैंने एप्लीकेशन लगाई 1 अक्टूबर को, भाई टाइम लग जाता है ना, सारे जो ये फाइलिंग काउंटर वगैरह में हम एप्लीकेशन लगाएंगे, उसके बाद वो सर्टिफाइड कॉपी देंगे, कम से कम 3-4 दिन तो मिनिमम लग ही जाते हैं, ज्यादा भी लग जाता है, छुट्टियां वुट्टियां आ जाती है। मानो 10 अक्टूबर को वो मिली, तो ये 10 दिन का टाइम एक्सक्लूड होगा और ये भी एक्सक्लूड होगा जिस दिन जजमेंट आई होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमें किस दिन एप्लीकेशन लगाने हैं? सपोज करो किसी भी, ये जो सेक्शन डील करता है ये अपील और एप्लीकेशन की बात करता है, अपील और एप्लीकेशन में टाइम कितना मिलता है? कम ही मिलता है, से फॉर एग्जाम्पल 30 डेज मिलता है, मान के चलते हैं 30 डेज। चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ज्यादा भीड़ हो जाएगी यहाँ। मान के चलते हैं कि आप सेक्शन 12 का जो 2 है, जहां पे हमने अपील या एप्लीकेशन लगानी है, ठीक है, अपील और एप्लीकेशन में मान के चलो किसी सिचुएशन में 30 डेज का टाइम है, 30 डेज में आपको अपील करनी है ऊपर, तो दैट इज अ लिमिटेशन पीरियड, तो ये हो गया लिमिटेशन, 30 दिन में आपको अपील कर, लेकिन आपके पास अभी तो कॉपी है ही नहीं जजमेंट की, ठीक है, कॉपी किस चीज की नहीं है, आपके पास डिक्री या ऑर्डर या सेंटेंस की अभी कॉपी नहीं है, तो आपने क्या करा, कॉपी अप्लाई करी 1 अक्टूबर 2021 को अप्लाई करी आपने। अब मेरा क्वेश्चन है कि आप कौन सी डेट पे अप्लाई करेंगे, सपोज करो आप इस दिन अप्लाई कर रहे हैं, कॉपी की अप्लाई की आपने और 30 दिन के अंदर आपको अपील करना है, मानो कि कोर्ट ने जो अपना डिक्री या ऑर्डर या सेंटेंस दिया वो 30 नवंबर को, 30 सितंबर 2021 को ऑर्डर आया, आप क्या इसी दिन अगले दिन ही अप्लाई कर दे, या आप इसको 29वें दिन अप्लाई करेंगे, आपके पास टाइम कहाँ से कहाँ तक है, 1 अक्टूबर 2021 से लेकर अल्टीमेटली 30th डे ऑफ अक्टूबर तक का आपके पास टाइम है, इसके बीच में आपको क्या करने कर देना चाहिए, क्योंकि आपको 30 डेज में अपील करनी है ना, अपील लगा करनी है अपने इस डिसीजन के खिलाफ अगर आपके आया है, तो आप इस दिन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे फॉर ऑब्टेनिंग अ डिक्री एंड ऑर्डर, या इस दिन अप्लाई करेंगे 30th डे, कौन से दिन करेंगे आप? सर फर्स्ट अक्टूबर 1 अक्टूबर, मतलब अगले दिन ही कर दोगे आप, बड़े विजिलेंट हैं आप। हाँ जी, तो उससे बेनिफिट होगा ना, क्योंकि जितना टाइम मिलेगा फिर जितने टाइम में प्रिपेयर होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा और हमें टाइम मिल जाएगा। हाँ जी, यामिनी कब अप्लाई करोगे आप? सर अप्लाई तो 1 से लेके 30 तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज एडवाइजेबल कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दें। अगर सपोज करो मैं 29 तारीख को करता हूँ, जल्दी करोगे तो आसान हो जाएगी सिचुएशन, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ 29 अक्टूबर को मैं कर रहा हूँ, 29 अक्टूबर को। अब यहाँ पर इन्होंने, मैंने 29 तारीख को एप्लीकेशन लगाई, भाई मेरे को क्या चाहिए, डिग्री की कॉपी चाहिए, देन ओनली आई कैन फाइल एन अपील। उन्होंने मुझे 15 दिन खा लिया, उन्होंने 15 नवंबर को मुझे कॉपी दी, इस दिन मैंने कॉपी रिसीव करी, क्या मैं अपील कर पाऊंगा कोर्ट में, कैन आई अपील? within 2 days of हाँ receiving, जी, yes sir, yes sir, so within 2 days of receiving the copy। मैं कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाऊंगा, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे सर 30 तारीख तक तो आपको टाइम था अपील का,
तो आप गलत हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ना 29 तारीख को मैंने अप्लाई करा, ये 15 नवंबर को मुझे कॉपी मिली है, 16 दिन जो है ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरे को कितने दिन मिलेंगे, मेरे को ये 30 तारीख एक दिन और मिल जाएगा, ठीक है, वन मोर डे मिलेगा, तो यानी मैं 16 नवंबर तक भी अपील कर सकता हूँ। इज दैट ओके? हाँ जी सर, ये वन डे कौन सा होगा जो ये जो दिन है ना, 30वां दिन था ना, 29 के जगह एक दिन बच रहा है ना, 30 तारीख तक मेरे को करनी थी, और वैसे भी एक दिन तो वैसे भी एक्सक्लूड हो जाएगा जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई, लेकिन हाँ मैंने ऑलरेडी जजमेंट जो प्रोनाउंस हुआ 30 तारीख को हुई थी, मैंने अगला दिन ऑलरेडी मैं लेके चला हूँ, राइट। तो ये मेरे को 30 नवंबर वुड बी द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, और सॉरी 16 नवंबर। 30 को भी लगा सकते थे ना, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ उसी दिन भी लगा सकते हैं। हाँ वो तो लगाओ, कई बार कॉपी दस्ती भी मिल जाती है, दस्ती समझते हैं, दस्ती ऑर्डर, ये समझा है, सुना है कभी बॉडी सीपीसी में? हाँ जी, ये क्या होता है, सुना है बॉडी सीपीसी में, या कोर्ट की प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ। दस्ती ऑर्डर जनरली हम क्या कहते हैं, जब हम कोर्ट में जाते हैं ना, तो हम उसी वक्त जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, या लॉर्डशिप काइंडली पास है दस्ती ऑर्डर। दस्ती ऑर्डर होता है जिस दिन ऑर्डर पास होगा उसी दिन बाय हैंड आपको कॉपी दे दी जाती है। आप जाओगे जब कोर्ट उठ जाएगी तो कॉपी मांगने जाओगे, जनाब जज साहब ने कहा था दस्ती ऑर्डर है, तो वो आप वहां पे जो कोर्ट मास्टर या अलमद होते हैं उनसे कॉपी ले लेते हैं ऑर्डर की, दैट इज कॉल्ड दस्ती ऑर्डर, बाय हैंड मिल जाएगी। जब आपको मिली गई है तो सर्टिफाइड कॉपी लगाने की जरूरत ही नहीं, तो 30 तारीख को ही मिल जाएगी, क्या पता आपको, ठीक है। हाँ जी बताइए, यस और नो, समझ में आया? यस सर। देखो क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द सेक्शन नंबर 12 का 3। मेरा कहने का मतलब था कि भाई आपको जरूरी नहीं है जिस दिन जजमेंट आई उसी दिन पागलों की तरह परेशान हो जाए कि आज ही मैं लगाऊंगा, 30 ही दिन मिले। अरे जो कोर्ट ने टाइम लिया है फॉर ऑब्टेनिंग रिक्विजिट टाइम होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ रिक्विजिट टाइम। रिक्विजिट टाइम का मतलब क्या है, आपकी केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर आप केयरलेस हैं तो फिर लॉ विल नॉट गोइंग टू असिस्ट यू, ठीक है। अभी मैं एक दो छोटी बात और बताऊंगा इसमें, चलो साथ साथ ही चलते हैं, नहीं तो फिर दोबारा फोड़ेंगे तो टाइम और ज्यादा खराब होता है। एक बार पूरा गो थ्रू कर लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन फ्यू केसेस। 12 का 3 पढ़ लेते हैं पहले। 12 का 3 कहता है वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड, जहां पे डिक्री और ऑर्डर अपील किया गया है, फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज्ड, फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यूड, रिवाइज और रिव्यूड के लिए। डिक्री और ऑर्डर को क्या क्या गया, अपील किस लिए, ताकि वो रिवीजन रिवाइज कर सके अपन डिसीजन को, या रिव्यू किया जा सके। और वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर द लीव टू सू, अगेन बिल्कुल सेम चीज है, लीव टू सू। एंड फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द जजमेंट। अब सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ वर्ड एक और लिखना है, सिर्फ 12 के 3 में जजमेंट और लिखना है, ऊपर वाले सेक्शन 12 के 2 में जजमेंट वर्ड नहीं था, ठीक है। अगर जजमेंट लेने में, अब देखो वहां पे क्या लिखा था 12 के 2 में, 12 के 2 में क्या लिख रहा था, डिक्री ऑर्डर, एक वर्ड और था बताइए, सेंटेंस, ये तीन वर्ड थे। लेकिन अब सेक्शन 12 के 3 में लिखा है जजमेंट। अगर कई बार क्या होता है, हमें पूरी की पूरी जजमेंट लगानी होती है, राइट, तो अगर जजमेंट लेने में भी जो टाइम लगा है, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अ जजमेंट शैल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड। तो जजमेंट को ऑब्टेन करने का जो टाइम मिला है, ऑब्टेन करने में जो टाइम लगा है, दैट ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। वैसे आप मुझे बताइए, जजमेंट पहले आता है या डिग्री पहले आती है? जजमेंट। हाँ जी, जजमेंट जजमेंट आता है ना, जजमेंट के बाद डिग्री आती है। कितने दिन बाद डिग्री आती है? 15 days। हाँ जी, 15 days। 15 दिन के अंदर आ जानी चाहिए, राइट, 15 days। ये सीपीसी है, ठीक है। तो जजमेंट में क्या होता है, पूरा डिसीजन होता है। जजमेंट में क्या होता है, जजमेंट में आप देखोगे तो दोनों पार्टी, जैसे प्लेंटिफ है इधर, डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ ने क्या कहा, डिफेंडेंट ने क्या कहा, इसके वकील साहब ने क्या कहा,
इनके वकील साहब ने क्या कहा, आर्गुमेंट्स क्या हुए, दोनों पार्टीज के बीच में जो विटनेसेस आए हैं उन्होंने क्या कहा, एडवोकेट साहब की आर्गुमेंट्स फाइनल हुए होंगे, उसके बाद कंक्लूजन पे निकलेगी कोर्ट, देन द कोर्ट विल राइट अ जजमेंट। जजमेंट कैन बी ऑफ अ नंबर ऑफ पेजेस, कई सारे पेजेस की जजमेंट होती है, बट क्या डिक्री कितने पेजेस की होती है? हाँ जी सर, इट कैन बी ऑफ सिंगल पेज, सिंगल पेज भी काफी है, उसी में यही तो लिखना है क्या, इंदर जी के क्या नाम है, हर्षनाक और यामिनी को मुझे 50,000 रुपए देने, इतना लिखना है बस उसमें। लेकिन क्यों देने हैं, क्या कारण है, वो सारी चीजें जजमेंट में लिखी होती है। तो कई बार हमें जजमेंट की भी कॉपी लगानी होती है, तो अगर जजमेंट की कॉपी लगानी है आपको जो टाइम लगा फॉर ऑब्टेनिंग द जजमेंट, देन दैट टाइम विल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 12(3) में लिखा है, जबकि 12(2) में क्या लिखा था, डिक्री ऑर्डर और सेंटेंस, यही इनमें डिफरेंस है, बाकी पूरा सेक्शन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। देन वी हैव 12(4). अब 12(4) जैसे मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ होगा, अवार्ड्स। अवार्ड्स कहाँ पर होता है, जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज लाइक आर्बिट्रेटर, लाइक ट्राइब्यूनल्स, तो ये जो है ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, ये जजमेंट डिक्री एंड ऑर्डर पास नहीं करते, ये अवार्ड्स देती हैं। तो अवार्ड्स लेने में वट एवर द टाइम हैज बीन अप्लाइड इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, सेट असाइड करने में जो टाइम लगा अवार्ड को, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अवार्ड, कॉपी ऑफ अवार्ड, ठीक है, कॉपी ऑफ अवार्ड की जो कॉपी लेने में जो टाइम लगा, टाइम लिखा है वर्ड रिक्विजिट के साथ, तो वो मैं भी आपको अलग से बताऊंगा टाइम रिक्विजिट का मतलब क्या होता है, तो दैट टाइम विल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड, वो टाइम भी निकाल दिया जाएगा, राइट, दैट टाइम ऑल्सो भी एक्सक्लूडेड, क्योंकि भाई क्या पता कोर्ट कितना समय ले, ट्राइब्यूनल कितना समय ले, मैंने एप्लीकेशन लगाई है, क्या पता 20 दिन ले, सपोज करो जिस मामले में मेरे को 30 दिन में अपील करनी थी, 30 डेज में अपील करनी थी, लेकिन ट्राइब्यूनल ने ही 45 दिन ले लिए डिग्री बनाने में, सॉरी अवार्ड पास करने में, अवार्ड देने में, तो मैं तो बिगर अवार्ड के तो घर ही बैठ रह जाऊंगा, तो मेरे साथ तो अन्याय हो जाएगा, तो देयरफॉर ये जो टाइम पीरियड होता है इसको एक्सक्लूड करना ही होता है, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैंने तो एप्लीकेशन लगा दी, आई वॉज वेरी विजिलेंट, मुझे पता था कि मुझे कब एप्लीकेशन लगानी है फॉर द रिक्विजिशन ऑफ द कॉपी, मैंने टाइमली एक्शन ले लिया, बट इट्स अ डिफॉल्ट ऑफ द कोर्ट or default of the filing counter, they have not supplied me the copy within a stipulated time, and therefore that has to be excluded while filing of a suit or appeal or application. I hope ye cheeze clear ho gayi hongi aapko. Dhyan rakhna, ek baar quickly revise kar lo. 12(1) mein kya hai, ek din niklega which has to be reckoned, ek din to nikalna hi nikalna hai. 12(2) mein kya likha hai, jahan pe aapne sentence decree aur order ko कॉपी लेने में जो टाइम लगा, दैट हैज टू बी एक्सक्लूडेड, एंड द डे ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, जिस दिन जजमेंट आएगी वो भी एक्सक्लूड होगा। 12(3) में क्या लिखा है, जिस दिन अगर जजमेंट है, जजमेंट की कॉपी लेने में जो टाइम लगेगा, दैट आल्सो हैज टू बी एक्सक्लूडेड, एंड इन द लास्ट 12(4) में अवार्ड की बात की गई है, इज दैट क्लियर। और रही बात एक्सप्लेनेशन में, ये लिखा है जब हम कोर्ट को जितना समय लगा होगा प्रिपरेशन के लिए जजमेंट को, दैट will not be excluded, ठीक है, वो time exclude नहीं होगा। अब इसमें दो चार point देख लेते हैं जो कि important रहेंगे। Last line क्या बोला आपने? Explanation मैंने पढ़ी थी, explanation में the time को जितना preparation, court को time, देखो एक होता है filing counter या अलमत वगैरह जो time लेते हैं वो exclude होगा, लेकिन court ने जो अपने हाथ से preparation कर रही है ना, जो लिख रही है, that time will not be excluded before application, ठीक है, दोनों में फर्क है ना, ओके आगे चलते हैं। तो तीन चार बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, वो मैं लिख देता हूँ आपके स्क्रीन पे क्या क्या चीजें जरूरी है सेक्शन 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन कंप्यूटेशन ऑफ दी कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन को जब आप काउंट करेंगे तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेंगे, इन द केस ऑफ अपील एप्लीकेशन, इन द केस ऑफ अपील एप्लीकेशन, फॉर द इन द केस ऑफ रिवीजन
अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये रेफरेंस नहीं है, ठीक है? कभी रेफरेंस लिख दो। अच्छा रेफरेंस वैसे होता कब है? हाँ जी रेफरेंस कब होता है? सर, जब सुना है कोई ये वर्ड? ऑर्डर रूल या एक्ट हाई कोर्ट को लगे कि इट इज इनवैलिड, लेकिन उस पर कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया, ना ही सुप्रीम कोर्ट का ना ही उस हाई कोर्ट का प्रीवियस, हाई कोर्ट को तो लगे? उसकी नो सर, कोर्ट खुद भेजता है, जो नीचे हाँ वाली जी कोर्ट होती है। नीचे वाली कोर्ट हाई कोर्ट जाती है, हाँ सॉरी, कोर्ट को लगे तो फिर वो हाई ठीक कोर्ट है? जाती कोर्ट को लगता है कि देयर मस्ट बी कोई वैलिडिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोविजन, उसको कंफ्यूजन आ गया है, कहीं ऐसा हो सकता है दो जजमेंट हो, तो कोर्ट गॉट कंफ्यूज, कोर्ट पूछेगा भाई व्हाट टू डू इन दैट केस, तो कोर्ट फिर रेफर करता है। जब कोर्ट के पास हम ऑलरेडी पहुंच ही चक जब कोर्ट के पास हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, रेफरेंस में अगर हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं तो ये तो कोर्ट का काम है ना ऊपर पूछना, तो इसलिए यहाँ रेफरेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? किसी भी लिमिटेशन एक्ट में रेफरेंस नहीं यूज हुआ है किसी भी सेक्शन में, ध्यान रखना, क्योंकि हम ऑलरेडी तो कोर्ट के पास हम ऑलरेडी जा चुके हैं, तो कोर्ट पूछ रहा है हाई कोर्ट से, तो ओके तो यहाँ तो रेफरेंस वर्ड कभी भी यूज होगा ही नहीं पूरे लिमिटेशन एक्ट में, क्योंकि विद इन द टाइम अगर आप कोर्ट के पास आ गए, नाउ द इट्स अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इफ देयर इज एनी एम्बिग्युटी देन द कोर्ट कैन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम द हाई कोर्ट, अपने ऊपर की कोर्ट से पूछ सकता है कि क्या करना है सिचुएशन में। नाउ इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन इन द केस ऑफ अपील और एप्लीकेशन फॉर द इन द केस ऑफ रिवीजन एंड रिव्यू और फॉर द लीव टू ऑफ अपील, लीव ऑफ अपील के केस में द फॉलोइंग पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड, कौन कौन से पीरियड एक्सक्लूड हो जाएंगे, कौन कौन से एक्सक्लूड होंगे, क्विकली कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट द डे ऑन विच द पीरियड इज टू बिगन, डे वो दिन एक्सक्लूड होगा ऑन विच द पीरियड बिगन्स टू रन, डे ऑन विच द पीरियड बिगिंस टू रन, ये आप लिख लेना, ठीक है? ये कंक्लूजन है इसका, बिगिंस टू रन पहला पॉइंट। सेकेंड और क्या एक्सक्लूड होगा, द डे ऑन विच द जजमेंट वॉज प्रोनाउंस, जजमेंट वॉज प्रोनाउंस कहाँ लिखा है, जजमेंट वॉज प्रोनाउंस कहाँ लिखा है, 12 सर, 12 के 2 में 12 के 2 में, ये एक दिन निकल जाएगा। और अब क्या है, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी, टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी, कॉपी को लेने में जितना समय लगा होगा, ऑफ किस चीज का, डिग्री सेंटेंस एंड ऑर्डर, ये कहां लिखा है, 12 के 2 में ही लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ जजमेंट, एज इट इज कॉपी कर लेना, और कॉपी ऑफ क्या लिखा है, जजमेंट, ठीक है? दैट इज 12 का 3। फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है, टाइम रिक्विजिट फॉर व्हाट, टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी कॉपी फॉर ऑफ अवार्ड, जितना समय लगा, 12 का 4। अब एक चीज और ध्यान रख लेना, एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन कहती है जब कोर्ट प्रिपेरेशन में टाइम लगा, कोर्ट को प्रिपरेशन में जो समय लगा, कोर्ट को प्रिपरेशन वर्ड लिखा है, ध्यान रखना एमसीक्यू में अगर पूछा गया तो, कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री एंड ऑर्डर, क्या चीज, डिक्री और ऑर्डर बनाने में जो टाइम लगा बिफोर एन एप्लीकेशन ऑफ अ कॉपी देयर ऑफ इज मेड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड, ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड नहीं होगा, नॉट टू बी एक्सक्लूडेड, इज दैट क्लियर, ये ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है? सेक्शन 12 में अब एक आध जो टाइम रिक्विजिट वाली बात है वो देख लेते हैं। और सर, कोर्ट कितना टाइम लेगी फिर उसको प्रिपेयर करने के लिए डिग्री और ऑर्डर भाई को? वो रीजनेबल टाइम ही लेती है, ऐसा नहीं है कि टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, ज्यादा टाइम और नहीं सर, लेती ना वो। जैसे जो अभी आपने एग्जांपल दिया था, उसमें 30 सितंबर को जजमेंट पास हुआ, तो उसके बाद कितने टाइम में बनाएगी और हमें कब अप्लाई करना होगा एप्लीकेशन? देखो जैसे 30 तारीख को जब जजमेंट, अगर बेसिकली कई बार क्या होता है जजमेंट रिजर्व कर देते हैं ना वो, कि जजमेंट रिजर्व फॉर द डे कल आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, डिक्री एंड ऑर्डर लिखा है, जजमेंट नहीं लिखा ना यहाँ पे, डिक्री एंड ऑर्डर। अब उसके बाद तो हमारा सीपीसी में लिखा ही है कि डिक्री कितने दिन में आ जानी चाहिए, 15 दिन में आना चाहिए, तो दैट विल नॉट बी एक्सक्लूडेड, तो ज्यादा टाइम पीरियड नहीं होता। ओके ठीक है, और वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटी लॉ में अन्याय नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो एक फॉर्मूला है लिमिटेशन एक्ट में, ये भी देखा जाता है, अगर किसी भी कोर्ट की वजह से आपका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है तो कोर्ट विल एक्सक्यूज इट। ठीक है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटी और एनी अदर रीजन नोबडी कैन बी डिप्राइव टू गेट जस्टिस, न्याय से वंचित नहीं होगा, और ये टेक्निकल है ना पूरा एक्ट, तो इसलिए लॉ में उसको एक्सक्यूज कर दिया जाता है उस चीजों को। नाउ द टाइम रिक्विजिट फॉर द कॉपी, एक फ्रेज है जहां पे ये इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइम रिक्विजिट फॉर कॉपी, कोई भी डिले केयरलेसनेस से नहीं होनी चाहिए। अगर डिले केयरलेसनेस है, केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस ऑफ द पार्टी है, लापरवाही है, नेग्लिजेंस ऑफ द पार्टी इन अप्लाइंग फॉर द कॉपी और पेइंग द मनी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द कॉपी कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन। आप जानबूझकर डिले कर रहे हैं, ठीक है, आप जानबूझकर डिले कर रहे हैं, केयरलेसनेस है, आपकी खुद की लापरवाही है, नेग्लिजेंस है, तो फिर वो जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो वर्ड है रिक्विजिट, जो वर्ड यूज हुआ है ना सेक्शन में रिक्विजिट, इसका मतलब क्या निकल के आता है, जजमेंट्स में ही कहा है, मीन्स प्रॉपरली रिक्वायर्ड, किसी चीज को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, प्रॉपरली रिक्वायर्ड, दैट हैज टू बी देयर, प्रॉपरली रिक्वायर्ड। अगर आप खुद ही केयरलेस है तो लॉ इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। ठीक है, और ये प्रिपरेशन का मतलब क्या है, जैसे केस है, केस का नाम था जीजू भॉय वर्सेस टीएस चेत्यर, लिख लेते हैं, जीजी भॉय BHOY वर्सेस टीएस CHETTYAR इन द ईयर ऑफ 1928 का, बहुत ही पुराना केस है। ठीक है, तो यहां पर इसमें कहा गया है द प्रॉपरली टाइम रिक्वायर्ड की बात की गई है, डिले और नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द पार्ट ऑफ द जो एप्लीकेंट कॉपी के लिए अप्लाई कर रहा है, अगर वो खुद लापरवाह है तो कोर्ट, आई मीन द कोर्ट इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट हिम। यानी कहने का मतलब है, जो वर्ड एक और है रिक्विजिट, ये जो रिक्विजिट वर्ड है, एक और केस में कोर्ट ने कहा है कि रिक्विजिट एंड ऑब्टेनिंग मींस द सम डेफिनेट स्टेप शुड बी टेकन बाय द एप्लिकेंट, सम डेफिनेट स्टेप शुड बी टेकन बाय should be taken by the appellant, जिसने application file करी है copy लेने के लिए, तो कम से कम वो लापरवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, but ऐसा कोई fixed formula नहीं है, तो court will judge the case depending upon the fact and circumstances, कि कई बार किसी case में ज्यादा time लग जाता है for obtaining a copy, okay? और अगर वो छुट्टियां वगैरह बीच में पड़ जाती है, वो सारे दिन एक्सक्लूड होंगे ही होंगे। एक तो हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था व्हेन द कोर्ट रीओपन्स, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी दिन मैंने जिस दिन कॉपी के लिए अप्लाई करा या जिस दिन मेरा कॉपी का टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, तो वहां पर अगर कोई हॉलीडे वगैरह पड़ गई, दैट हैज टू बी एक्सक्लूडेड। अब एक और चीज होती है, सपोज कीजिए अगर एक मैंने कॉपी की अप्लाई करी 1 अक्टूबर 2021 को, मैंने कॉपी के लिए अप्लाई करा, एप्लीकेशन लगा दी। देखो इसका विजिलेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर जो मैंने कहा ना केयरलेस और नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए किसकी, एप्लीकेंट की। 1 तारीख को मैंने एप्लीकेशन लगा दी, अब ये जो कॉपी थी रेडी टू डिलीवर कब हो गई थी, रेडी टू डिलीवर,
रेडी टू डिलीवर मान के चलो ये 5 अक्टूबर को हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, बहुत टेक्निकल पॉइंट है। 1 तारीख को मैंने एप्लीकेशन लगाई, 5 तारीख को वो रेडी टू डिलीवर थी, यानी ऑलरेडी वो प्रिपेयर हो चुकी थी मेरे लिए, लेकिन मैं जाता हूँ 15 अक्टूबर को। वेदर आई बी गेटिंग 10 डेज एक्स्ट्रा? नो सर, यही है बस, यही समझना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको एक वर्ड देखना है, रिक्विजिट प्रॉपरली रिक्वायर्ड। अरे ये तो अब आपका डिफॉल्ट है, कॉपी तो आपकी 5 तारीख को ही बन के रेडी थी, व्हाई यू आर नॉट कमिंग बिफोर द कोर्ट टू गेट इट? दैट मींस यू आर एट अ फॉल्ट, यू आर एट नेग्लिजेंस, यू आर केयरलेस पर्सन, लॉ इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। दैट मींस अगर आप 10 दिन बाद गए और उसके बाद 10 दिन जाने पर लेट जाने की वजह से आपका टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका था, लैप्स हो गया था, क्या कोर्ट सुनेगा आपकी बात? हाँ जी बताइए। नो सर, ठीक है, तो डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड एंड्स व्हेन द कॉपी इज रेडी फॉर डिलीवर्ड, ध्यान रखना, एप्लीकेशन जो किया वो दिन और रेडी टू डिलीवर, ये दोनों चीजें काउंट हो रही है बस। आप लेने गए लेट, द कोर्ट इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, लॉ आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। समझ में आई बात? यस सर। हाँ जी, यही चीज समझना है, ठीक है, आप लेट गए ना तो ये 10 दिन का जो डिले है तो कोर्ट आपको कंपनसेट नहीं करेगा, भाई ये तो आपकी गलती है, 5 तारीख को बन गई थी, आपको जाना चाहिए था, इसी बीच में आपका टाइम खत्म हो गया, तो वाई शुड आई लिसन इट यू। लेकिन एक बात बताओ, अगर चलो डिले हो गया, ये डिले हो गया 10 दिन का, तो इसका कोई तोड़ है क्या? कुछ तोड़ है, कुछ और सॉल्यूशन है मेरे पास? मैं एडवोकेट हूँ या आप लोग एडवोकेट है? हाँ जी, Section लग five. जाएगा, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लगेगा नहीं लगेगा? Yes, sir. लगेगा या हमने? तो सूट के मैटर्स में नहीं लगेगा। हाँ जी, सूट में नहीं लगेगा, बाकी जगह तो लगेगा ना, अपील और एप्लीकेशन में लग जाएगा, लगा दीजिए, थोड़ी रिक्वेस्ट कर लीजिए, रेडविज सेक्शन 151 लगा दो, 151 भी तो है एक चीज, रिक्वेस्ट तो की जा सकती है ना जनाब। अगर एक बात बताओ भाई, 5 तारीख को जाना था कॉपी लेने, मैं 15 को गया, क्यों गया? क्योंकि इस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटलाइज था, या कोरोना हो गया था, मुझे 10 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ा, इज इट अ रीजनेबल ग्राउंड? हाँ जी, एक बात बताओ भाई, कोरोना काल चल रहा था तो बहुत सारे केस टाइमली फाइल नहीं हो पाए, तो सारे बर्बाद हो जाएंगे क्या? हाँ जी, टाइमली फाइल नहीं हो पाए ना, कोर्ट ने भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड कर दिया था। अरे बहुत बड़ा बढ़ा दिया, 2-2 साल बढ़ा दिया कई चीजों में, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। एक केस था इस पे, वो यही बताता है बस, केस का नाम था स्टेट ऑफ यूपी वर्सी महाराज नारायण, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महाराज नारायण, ठीक है, 1968 का केस है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महाराज नारायण। तो इस केस में कोर्ट ने यही देखा था, व्हाट इज द ट्रू स्कोप ऑफ टाइम रिक्विजिट फॉर कॉपी, भाई कॉपी को समय कितना चाहिए, तो दैट मस्ट बी अ रीजनेबल टाइम होना चाहिए, ठीक है, द मेमोरेंडम बिल वॉज फाइल, ठीक है, बाकी ये तो टेक्निकल चीजें हैं, इसको छोड़िए, बस टाइम रिक्विजिट फॉर कॉपी। और ये जो केस है आपके बेरेट में भी लिखा है, आपके बेरेट में भी लिखा, वहां लिखा है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एन अपील, द डे ऑन विच द जजमेंट और ऑर्डर कंप्लेंट वॉज प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम टेकन बाय द कोर्ट, कोर्ट ने जितना समय लिया, अवेलेबल द कॉपी टू फॉर द आई मीन द मेकिंग ऑफ द अवेलेबल ऑफ द कॉपी। देखो जजमेंट जिस दिन प्रोनाउंस हुई एंड टाइम टेकन बाय कोर्ट, कोर्ट ने जितना समय लिया उसको प्रिपेयर करने में मेरी एप्लीकेशन के बाद, द कॉपी अप्लाइड फॉर हैव टू बी एक्सक्लूडेड, ये दोनों टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यही इस केस में कहा गया है।
देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द स्कोप ऑफ दैट प्रोविजन, इसका स्कोप को कम नहीं कर सकते, ये दोनों चीजें तो कवर होंगी होंगी, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर, सेक्शन 13 की तरफ मूव करते हैं। आई होप इट्स बीन क्लियर नाउ। हाँ जी क्लियर है सर। ये जो टाइम, ये जो फर्स्ट वाला है जजमेंट प्रोनाउंस, ये जैसे सीपीसी में बोलते हैं कि 15 डेज के अंदर ना डिग्री आनी चाहिए जजमेंट पास होने के बाद, तो जो कोर्ट जो टाइम लेगी वो जजमेंट पास करने के बाद जो 15 डेज होते हैं उस टाइम को कह रहा है क्या यहाँ पे? जजमेंट पास अगर हो गई है, बेसिकली कई बार क्या होता है फाइनल आर्गुमेंट सुन लेती है कोर्ट, फाइनल आर्गुमेंट के बाद कोई बार जजमेंट रिजर्व रख देती है कि भाई ठीक है जजमेंट अभी हम सुनाएंगे, नेक्स्ट डेट पे जजमेंट होगी, ठीक है। तो ये वाला टाइम है जजमेंट के बाद, तो 15 दिन के अंदर कोर्ट का काम है, ये तो कोर्ट का काम है कि 15 दिन में डिग्री बन जानी चाहिए, ठीक है, ये उस केस की बात करता है। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, वो सिंपल सा ही सेक्शन है। नाउ विल टॉक अबाउट द एक्सक्लूजन ऑफ टाइम। ये आसान सा सेक्शन है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केस वेयर द लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर। एक्सक्लूजन ऑफ अ टाइम इन केस वेयर लीव टू सू, इन केसेस कौन से केसेस में जहां पे लीव टू सू की बात है और अपील, लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर, अपील एज अ पॉपर। अच्छा पॉपर क्या होता है ये आप लोगों को पता ही होगा, ऑर्डर नंबर 33 ऑफ सीपीसी, जिसको हम वहां पर, अगर आप पॉपर तो नहीं लिखा है लेकिन वहां क्या लिखा है, वहां इंडिजेंट पर्सन लिखा है, ठीक है। इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट पर्सन को क्या बोलते हैं, निर्धन व्यक्ति, गरीब इंसान, पुअर, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, एक सर्टेन अमाउंट दे रखा है उतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो इंडिजेंट पर्सन होता है। तो इंडिजेंट पर्सन अगर गरीब है तो ऑब्वियस सी बात है उसको न्याय तो मिलना चाहिए, तो इसलिए इंडिजेंट पर्सन क्या करता है, एक एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट में। क्या एप्लीकेशन लगाता है वो, कि मैं एक इंडिजेंट इंसान हूँ, मुझे सूट फाइल करने का, आई मीन एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव ऑफ द स्टेट मुझे राइट दिया जाए, मुझे एज अ पॉपर ट्रीट किया जाए। तो अब उसमें क्या होता है, जब उसने एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने सपोज करो रिजेक्ट कर दी, जब कोर्ट अगर रिजेक्ट कर देगा दो चीजें हो सकती है ना, अगर कोर्ट ने एडमिट कर ली तो बात ठीक ही है, लेकिन अगर रिजेक्ट करेगा तो क्या होगा। अगर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है एप्लीकेशन को, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वो बोनाफाइड वे में उसने एप्लीकेशन लगाई थी, बोनाफाइड, बोनाफाइड समझते हैं ना, गुड फेथ में, उसे ऐसा लगता था कि हाँ मैं जो हूँ मैं गरीब आदमी हूँ और मुझे कानून ये अधिकार देता है कि एप्लीकेशन लगाने का, तो जो बोनाफाइड में उसने एप्लीकेशन लगाई है, बाद में कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है कि यू आर नॉट अ इंडिजेंट पर्सन, कोर्ट ने कहा भाई आप इंडिजेंट पर्सन नहीं हो, तो ये जो टाइम खराब हुआ होगा, ये जो टाइम खराब हुआ होगा, प्रोवाइडेड वो बोनाफाइड एप्लीकेशन होना चाहिए, दैट विल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, एक्सक्लूड हो जाएगा। और एट द सेम टाइम अगर मानो कोर्ट ने उसके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, यू आर नॉट अ बोनाफाइड पर्सन, उसके बाद अगर वो जैसे ही कोर्ट फीस पे करता है, जैसे ही वो कोर्ट फी पे करता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने कोर्ट फीस एट द फर्स्ट इंस्टेंस में ही अप्लाई कर दी थी, एट द फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब क्या यहाँ पर है, मानो कि उसने शुरू में ही कोर्ट फीस लगा दी थी, जब उसने एप्लीकेशन ये फाइल की थी ना, मानो कि उस वक्त उसने कोर्ट फीस दे दी थी, यानी कोर्ट जो है कहीं ना कहीं उसको जो टाइम पीरियड उसका खराब हो गया होगा, उसको नुकसान नहीं होगा पॉपर को, अगर वो बोनाफाइडली एप्लीकेशन उसने फाइल की थी, ठीक है। आई होप ये तो सिंपल सा ही सेक्शन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, बेरेट से कर लेते हैं। हाँ जी सेक्शन 12 तो मैंने ऑलमोस्ट सारा लिख ही दिया है आपके स्क्रीन पे, तो आई डोंट थिंक सो कि इसको रिपीट करने की जरूरत है, अदरवाइज इट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली। ओके नाउ एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर।
इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट और अपील, यहाँ वर्ड यूज करना है सूट और अपील, इन एनी केस वेयर एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर हैज बीन मेड, जनरली हम एप्लीकेशन लगाते हैं, ऑर्डर नंबर 33 इसको डील करता है, पॉपर हैज बीन एप्लीकेशन आई मीन हैज बीन मेड एज अ पॉपर हैज बीन मेड एंड जो कि रिजेक्ट हो गई हो, द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट has been prosecuting in a good faith, मानो के जो पॉपर था वो गुड फेथ में एप्लीकेशन उसने लगाई थी, फॉर सच लीव शैल बी एक्सक्लूडेड, जो टाइम पीरियड हुआ होगा वेस्ट दैट वुड बी एक्सक्लूडेड, एंड द कोर्ट मे ऑन द पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस, अब ऑफकोर्स ही बात है जब कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी कि भाई यू आर नॉट अ पॉपर, कोर्ट ने कहा यू आर नॉट अ पॉपर, देन ही हैज टू फाइल अपना सूट फाइल करना पड़ेगा, लेकिन विद द कोर्ट फीस ही तो होगा, तो कोर्ट फी जैसी वो पे करता है, प्रिस्क्राइब फॉर सच सूट और अपील, ट्रीट द सूट और अपील एज हैविंग द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इफ द कोर्ट फीस हैज बीन पेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मानो के फर्स्ट इंस्टेंस में कोर्ट फीस पे कर दी गई हो, ठीक है, सिंपल सा है, आई होप देयर इज वोंट बी एनी डाउट इन दिस सेक्शन, नाउ लेट्स प्रोसीड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 14, सेक्शन 14 जो है इसमें 1 and 2 इंपॉर्टेंट है, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, तीसरा तो इतना इंपॉर्टेंट लेकिन पता होना चाहिए, नाउ सेक्शन 14 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, वो टाइम निकाल दिया जाएगा कंप्यूटेशन पीरियड को काउंट करने में, ऑफ अ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन द कोर्ट विदाउट ज्यूरिडिक्शन, अब सपोज यहाँ पे देखो दोनों में एक बात कॉमन है, ऊपर भी बोनाफाइड है यानी गुड फेथ है, यहाँ पे भी गुड फेथ लिखा है, अगर आप बोनाफाइड मैनर में गलत कोर्ट में चले गए हैं, आप ईमानदारी से गलत कोर्ट में चले गए हैं बोनाफाइड में मैनर में, ऐसा नहीं है कि जानबूझ कोर्ट का टाइम खराब करने दूसरी पार्टी को बेवकूफ बनाने के लिए गए हैं, इफ यू हैव बीन प्रोसीडिंग इन द बोनाफाइड मैनर इन अ रॉन्ग कोर्ट देन, अब ये विदाउट ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या, मेरे को जाना कहीं और था, मैं कहीं और चला गया, मुझे जाना फाइल सूट फाइल करना था कड़कड़डूमा में, मैंने कर दिया 30,000 में, दैट वॉज नॉट हैविंग द ज्यूरिडिक्शन, तो उसमें जो मेरा टाइम खराब हुआ होगा तो कोर्ट मुझे वो टाइम जो है वो एक्सक्लूड कर देगी, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विद द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डेलिजेंस, देखिए ड्यू डेलिजेंस भी वर्ड लिखा है कि वो अपने सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही गया, लेकिन तब भी लोगों से गलतियां हो जाती है सिविल प्रोसीडिंग में, वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और ऑफ अपील और ऑफ रिविजन, ठीक है, तीनों वर्ड्स याद रखना, फर्स्ट इंस्टेंस अपील और रिविजन अगेंस्ट अ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के खिलाफ ही जाएगा वो अगर अपील वगैरह में जा रहा है तो, शैल बी एक्सक्लूड, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा यानी बोनाफाइड मैनर में, इफ इज प्रोसिक्यूटिंग इन अ रॉन्ग कोर्ट और उसमें जो टाइम खराब हो गया है दैट वुड बी एक्सक्लूडेड, वे द प्रोसीडिंग रिलेट्स टू द सेम मैटर, लेकिन हाँ प्रोवाइडेड मैटर सेम होना चाहिए, एंड इज प्रोसिक्यूटिंग द गुड फेथ, गुड फेथ में होना चाहिए द कोर्ट विच From the defect of the jurisdiction. Defect of jurisdiction क्या होता है? जब court का jurisdiction नहीं बनता, मैं वहाँ चला गया. पता चलो, suppose say for example, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुछ courts हैं, जैसे civil judges के जो courts हैं, वहाँ पे jurisdiction 5 lakh rupees तक का है. लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है. हरियाणा में civil jurisdiction lower court के पास बहुत wider है. But यहाँ पे एक pecuniary limit तय की गई है कि civil junior division के जो उनको 5 lakh rupees तक का matter सुनना होगा. Right? अगर suppose करो मैं 20 lakh rupees तक का मैटर लेके 5 lakh rupees तक की ज्यूरिडिक्शन में कोर्ट में चला गया तो दैट इज अ विदाउट ज्यूरिडिक्शन, लेकिन मेरा टाइम तो खराब हो गया, तो अगर मैं कोर्ट रिजेक्ट मेरा वहां पे केस करती है तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का सेक्शन 14 का बेनिफिट मिल जाएगा, अगर मैं बोनाफाइड मैनर में गलत कोर्ट में चला गया था तो, ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन, इट कैन बी ऑफ लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन हो सकता है, और ऑफ अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर, कॉज ऑफ अदर केस लाइक नेचर का मतलब क्या है, वो नीचे इसके एक एक्सप्लेनेशन में लिखा है, ये देखिए आप, मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज, अब आपको आई एम श्योर मिस जॉइंडर का थोड़ा आइडिया होगा, ये क्या होता है मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज, जो पार्टी नहीं जुड़नी चाहिए थी वो लोग जुड़ गए, ठीक है, देखो कई सारी चीजें सीबीसी में पढ़ेंगे, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, ये सारी चीजें हम उसके साथ पढ़ेंगे, नेसेसरी पार्टीज, प्रॉपर पार्टी, ठीक है, लेकिन अगर मिस जॉइंडर है, जो लोग नहीं जुड़ने थे वो जुड़ गए हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है केस तो आगे चलेगा ही नहीं, तो इसको एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया गया है
कि ये भी मान लिया जाएगा कि अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर में ये चीज कवर हो सकती है. तो मिस जॉइंटर ऑफ द पार्टी और अ कॉज ऑफ एक्शन शैल बी डीम्ड टू बी द कॉज ऑफ लाइक नेचर विद इन द डिफेक्ट ऑफ द ज्यूरिडिक्शन. क्योंकि गलत लोगों के साथ थोड़ी ना चलेगा केस. अरे मेरे को अपने टीनेंट पे केस फाइल करना था, मेरे को टीनेंट के ब्रदर पे थोड़ी ना करना है, राइट? तो देयर वुड बी अ मिस जॉइंटर, तो वो प्रॉपर होने चाहिए. तो अगर उसमें टाइम खराब हुआ, वेस्टेज हुआ, तो दैट टाइम विल बी एक्सक्लूडेड. आई होप ये क्लियर होगा सेक्शन 14. हाँ जी. और ये जो वर्ड यूज हुआ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ लिखा है फॉर एनी सूट, ठीक है, सूट वर्ड, ठीक है. द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिव हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद द ड्यू डिलिजेंस, जब उसने सूट फाइल किया गलत कोर्ट में चला गया. बट अगर हम 14 का 2 पढ़ेंगे, 14 का 2 किससे डील करता है? यहाँ वर्ड लिखा है एप्लीकेशन. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इनका एक अलग से हर एक सेक्शन का कहाँ अपील, कहाँ रिवीजन, कहाँ एग्जीक्यूशन, ये एक चार्ट बना लेना. अगर आप चार्ट नहीं बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. चार्ट जरूर बनाना आपको कि किस सेक्शन में अपील की बात करी है, किस सेक्शन में एप्लीकेशन की बात करी, कहाँ सूट है, कहाँ एग्जीक्यूशन की बात की गई है. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन, यहाँ लिखा है सूट और यहाँ लिखा है एप्लीकेशन. कीप इन माइंड, यहाँ लिख देता हूँ ऐसा आपको, सूट और यहाँ लिखा है एप्लीकेशन. ये आपने बेरेट में साइड में लिख लीजिए, वैसे तो बेस्ट रहेगा. इस पूरे बेरेट को पढ़िए और एक चार्ट बनाइए अगर आपको औरों से और अच्छी नॉलेज रखनी है तो. In computing the period of the limitation for any application, the time during which the applicant has been prosecuting. अब देखो कुछ फर्क नहीं है. जहां suit होता है तो वहां पे कौन कौन सी parties होंगी? Plaintiff होगी. Opposite में कौन होगा? Defendant. अगर application की बात आई है तो यहाँ कौन होगा? Applicant. सामने कौन होगा? Word नहीं लिखा, respondent वैसे होना चाहिए था, otherwise यहाँ party लिख दिया है. In computing the period of limitation for any application, the time during which the applicant has been prosecuted with due diligence, another civil court proceeding, whether in the court of first instance, चाहे वो पहली बार हम गए हो कोर्ट में, यानी सूट या एप्लीकेशन फाइल करी हो, और of appeal या revision हो, against the same party, ठीक है, against the same party, party use हो गया, for the same relief shall be excluded. Where such proceeding is proceeding in good faith. Good faith में दोनों चीजें हैं. एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सेक्शन 14 में भी गुड फेथ है और सेक्शन 13 में भी गुड फेथ है, राइट? यहाँ पे भी गुड फेथ है. डू नॉट फॉरगेट दिस वर्ड्स, क्योंकि गुड फेथ का फायदा तो हमें क्रिमिनल लॉ में भी मिलता है, ये तो फिर भी सिविल है. मिलता है नहीं मिलता गुड फेथ का बेनिफिट? Yes, sir. सारा ही खेल गुड फेथ का है. क्राइम में तो सारा ही गुड फेथ है. किसी के बच्चे को आप जलते हुए घर में से ऊपर से नीचे फेंक दो, बच्चा मर जाए, तो भी गुड फेथ में आपने किया है. तो गुड फेथ का ही खेल है, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो. प्रोसिक्यूटिंग इन अ गुड फेथ इन अ कोर्ट विद कोर्ट विच फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ द ज्यूरिडिक्शन, बाकी पूरा सेक्शन सेम है. डिफेक्ट ऑफ द ज्यूरिडिक्शन और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर, कॉज ऑफ लाइक नेचर, मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज, ठीक है, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज सेम है. अभी आता है 3, जो थर्ड है वो डील करता है विड्रॉवल ऑफ द सूट. अब देखो ऑर्डर नंबर 23 ऑफ सीपीसी क्या है? ऑर्डर नंबर 23 है विड्रॉवल एंड द एडजस्टमेंट, विड्रॉवल एंड एडजस्टमेंट ऑफ द सूट. पढ़ा है नहीं पढ़ा ये कभी? विड्रॉवल एंड एडजस्टमेंट ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ द सूट्स, वर्ड भी वहां पे लिखा है सूट्स. बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं सेक्शन 3 में. इसमें लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द रूल 2. रूल 2 में जो मर्जी लिखा हो. 23 के रूल 2 में बेसिकली लिखा क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ. रूल नंबर 2 में लिखा है, एक तो माइनर के बारे में बात की गई है, ठीक है, माइनर के बारे में बात मैं पढ़ देता हूँ. एन एप्लीकेशन ऑफ द लीव अंडर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 shall be accompanied by affidavit of the next friend and also if the minor or such other person is represented by the pleader, certificate of the pleader. यानी एक तो affidavit की बात की गई है. देखो procedural aspect है ना, rule की बात कर रहा है कि अगर आपने leave to
सू फाइल करना है देन इट हैज टू बी अकंपनीड बाय द एफिडेविट, एफिडेविट के साथ चलेगा। और अगर माइनर है तो कोई सर्टिफिकेट होगा कंप्लीटर उसके भी आप लड़ रहा, तो दैट इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, इतना एम्फेसाइज मत कीजिए, सीपीसी पढ़ेंगे तो एक बार जान लेंगे अच्छे से। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द रूल नंबर 2 ऑफ द सीपीसी के 23 ऑर्डर नंबर में 2 में जो भी लिखा है, ऑर्डर नंबर 23 रूल नंबर 2 जो मर्जी लिखा है वहां पे, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू फ्रेश शूट instituted on the permission granted by the court under the order number 1 of that order. Order number 1 क्या है CPC का? Order number 1 ये कहता है कि कई बार क्या होता है, आपको withdraw करने का right होता है, withdrawal of suit with the permission of the court. Order number 23 rule number 1 आपको withdraw करने का अधिकार होता है, यानी plaintiff चाहे तो अपना कोई भी क्लेम अबेंडन कर सकता है। सपोज करो, जैसे मैं एक बार अब पढ़ देता हूं आपको, एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, यानी प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया, प्लेंटिफ ने सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया है, यानी मामला दावा डाल दिया है, अब प्लेंटिफ चाहे तो, प्लेंटिफ में एज अगेंस्ट ऑल, चाहे तो सबके खिलाफ, प्लेंटिफ के अगेंस्ट कौन होंगे, डिफेंडेंट होंगे, या तो इन सबके खिलाफ या एनी ऑफ द डिफेंडेंट, या किसी एक डिफेंडेंट को कह दे, सपोज करो 5 डिफेंडेंट है, पांचों के पांचों डिफेंडेंट को, या तो सबको वो कह सकता है कि कोई बात नहीं मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए रिकवरी ऑफ सूट में, या कह देगा कि भाई मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मेरे को इससे कुछ नहीं चाहिए, अबेंडन कर सकता है हिज सूट और अबेंडन अ पार्ट ऑफ हिज क्लेम, क्लेम को अबेंडन कर सकता है, दैट मीन्स वो विड्रॉ कर सकता है सूट को। वेयर सच परमिशन इज ग्रांटेड द ग्राउंड ऑफ दैट द फर्स्ट सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ द डिफेक्ट इन अ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर, ठीक है, बाकी चीजें सेम है, ऊपर देखो नीचे वाली लाइन वही सेम है, अगर डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन है उसकी वजह से विड्रॉल हो रहा है तो वो चीजें भी एक्सक्लूड हो जाएंगी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना ऐसा कुछ जिक्र है इसमें, यानी विड्रॉल ऑफ सूट हो सकता है ऑन द परमिशन ग्रांटेड बाय द कोर्ट अंडर रूल नंबर 1 ऑफ दैट ऑर्डर, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट वो विड्रॉ हो जाएगा और प्लेंटिफ क्या कर सकता है, अबेंडन कर सकता है अपने क्लेम्स को। और रही बात एक्सप्लेनेशन की, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विद द फॉर्मर सिविल प्रोसीडिंग वॉज पेंडिंग द डे ऑन विच द प्रोसीडिंग वॉज इंस्टीट्यूटेड एंड द डे ऑन विच इट एंडेड, तो शैल बोथ बी काउंटेड, यानी दो दिन काउंट किए जाएंगे, ठीक है, एक तो पहला दिन और एक लास्ट वाला दिन, यानी दो दिन काउंट होंगे, ये दोनों दिन एक्सक्लूड हो जाएंगे। दोबारा पढ़ लेते हैं, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द फॉर्मर सिविल प्रोसीडिंग वॉज पेंडिंग, जब तक वो मामला पेंडिंग रहा, द डे ऑन विच दैट प्रोसीडिंग वॉज इंस्टीट्यूटेड, जब वो मामला इंस्टीट्यूट किया गया, यानी अगर हम गलत जगह कोर्ट में चले गए थे, रॉन्ग ज्यूरिडिक्शन में हमने सूट फाइल कर दिया था, वहां पे मामला वो पेंडिंग रहा, ठीक है, जैसे हमने कड़कड़ टूमा जाना था, हम चले गए 30,000, हमने 30,000 सूट फाइल कर दिया, द डे ऑन विद द प्रोसीडिंग वॉज इंस्टीट्यूट, जिस दिन हमने मामला स्टार्ट करा 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया, ये दिन एक्सक्लूड हो जाएगा, एंड द डे ऑन विच इट एंडेड, जिस दिन ये खत्म हुआ, मानो 30,000 कोर्ट ने कहा भाई आपका ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता, 10-10 को उन्होंने कहा, तो ये दोनों दिन एक्सक्लूड हो जाएंगे, एक्सक्लूड में ये दोनों दिन काउंट होंगे, एक तारीख भी काउंट होगा जिस दिन इंस्टीट्यूट हुआ, जिस दिन एंड हुआ, ये दोनों काउंट होंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या है, दोनों चीजें बोनाफाइड मैनर में होनी चाहिए, बोनाफाइड तो होना ही चाहिए, एम आई राइट, हाँ जी, यस सर, इट मींस कि जो, हाँ जी बोलिए, 1 से 10 के बीच में 8 दिन तो ये हो गए और 2 दिन ये 11 दिन हो गए, 1 तारीख और 10 तारीख तक 11 दिन कैसे हो जाएंगे, 10 दिन ही तो है, ये कह रहा है जिस दिन आपने फाइल किया ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, और 8 दिन बीच है वो तो निकलने ही है, ठीक है, 10 दिन निकल जाएंगे। अब ये बी कहता है अ प्लेंटिफ फॉर द एप्लीकेंट रेसिस्टिंग एन अपील, अब ये रेसिस्टिंग अपील क्या मतलब था, जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, चाहे प्लेंटिफ हो एप्लीकेंट, रेसिस्टिंग एन अपील शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसिक्यूटिंग प्रोसीडिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
सिर्फ एक बार पढ़ लो, प्लेंटिफ और एप्लीकेंट रेजिस्ट मतलब जो रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है अपील को, शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग, ठीक है। तो दैट्स नॉट, ये वाला बी इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट ये जो दो हैं ये इम्पोर्टेंट रहेंगे सेक्शन 14 के, 1 and 2, और 3 को ये याद रख लेना, इसमें विड्रॉवल की बात की है। विड्रॉवल मतलब विड्रॉवल ऑफ द सूट, प्लेंटिफ चाहे तो विड्रॉ कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और उसको अबेंडन करने पड़ते हैं अपने राइट्स एंड क्लेम्स कुछ, चाहे तो वो सबके खिलाफ कर सकता है या किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ, ठीक है। यानी कोर्ट परमिशन दे देगी उसको, हाँ भाई ठीक है आप अबेंडन कर लीजिए, पूरा केस अबेंडन कर लीजिए, विड्रॉ कर लीजिए क्लेम्स को, या फिर आप चाहे तो एक के खिलाफ या दो के खिलाफ, कितने के भी खिलाफ वो कर सकता है। देन वी हैव 15 भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 15 एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम इन द सर्टेन केसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे 12 से लेकर 15 तक सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लेट स्टार्ट विद द 15 एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम इन द सर्टेन केसेस। कुछ और मामलों में टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा सर्टेन अदर केसेस। कौन से मामले होंगे? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन, जब भी कभी भी मामला होगा सूट का या कभी भी मामला होगा एप्लीकेशन का, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। अब यहाँ देखो, यहाँ वर्ड क्या ये है, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री यानी ऑर्डर नंबर 21। आप एक काम जरूर करना आज, आप पहले ये लिख लेना कि कहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात की गई है, राइट। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है ढूंढना कहाँ का की गई है। सेक्शन 5 में क्या लिखा है? हाँ जी, सेक्शन 5 में क्या क्या लिखा है? एक्सक्लूजन ऑफ सूट एंड एग्जीक्यूशन। हाँ जी, अदर देन क्या लिखा है? वहां पे भी एग्जीक्यूशन की बात की गई ना डिग्री की, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टाइम दे रखा है इतना लंबा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, ध्यान रख के वो सब चीज आप नोट कर लेना, ये एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की कहां बात की गई है। तो इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ व्हिच हैज बीन स्टेट। अब देखो इसको ध्यान से समझेंगे, पहले ये ऑलरेडी वर्ड लिख लीजिए, इंजंक्शन लिख लीजिए आप, इंजंक्शन को ये स्टे बोल देते हैं। मैंने एक दावा डाला, आपने पहले से इंजंक्शन ले लिया मेरे खिलाफ, या मैंने कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, कोर्ट ने डिक्री दे दिया, अब डिक्री के बाद मैं एग्जीक्यूशन भी लगाता हूं ना भाई। ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री आ गई तो घर बैठे कोर्ट आपके घर पे आके एग्जीक्यूट करवाएगी, आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी एग्जीक्यूशन की। तो जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि भाई हाँ अब तो काफी 10 साल बाद डिसीजन आया, लेट्स प्रोसीड फॉर द एग्जीक्यूशन, आप एग्जीक्यूशन के लिए जा रहे हैं, और लेकिन एग्जीक्यूशन होने से पहले सामने वाली पार्टी कोर्ट में जाके स्टे ले आती है, द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ व्हिच हैज बीन स्टेड, रोक दिया गया है, इंस्टीट्यूशन यानी मुकदमे को रोक दिया है या एग्जीक्यूशन को रोक दिया गया है, व्हिच हैज बीन स्टेड बाय इंजंक्शन या ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर पे, द टाइम ऑफ कंटिन्यूइंग, अंडरलाइन कर लीजिए द टाइम ऑफ कंटिन्यूइंग, हाईलाइट भी कर लीजिए और वो भी कर लीजिए, टाइम ऑफ कंटिन्यूइंग इंजंक्शन, जितने समय तक वो इंजंक्शन कंटिन्यू रहेगा, और ऑर्डर जब तक कंटिन्यू रहेगा कोर्ट के ऑर्डर तक, द डे ऑन विच इट वॉज इशूड। अब इसमें देखो कई सारी चीजें, एक तो वो दिन जिस दिन वो इशूड हुआ या मेड, इशू और मेड बात एक ही है, एंड द डे ऑन विच इट वॉज विड्रॉन शैल बी एक्सक्लूडेड। यानी अगर हम देखें कंक्लूजन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्या क्या चीजें निकलेगी, जब तक इंजंक्शन कंटिन्यू रहा, ठीक है, और एक वो दिन जिस दिन वो, वन डे कौन सा हो गया, जिस दिन वो इशू या मेड हुआ, या फिर एक दिन वो जिस दिन वो इंजंक्शन को खत्म किया गया विड्रॉन। तो दो दिन तो ये हो ही गए, वन दिन दो दिन, और जब तक सपोज करो स्टे तो काफी लंबे लंबे भी लग जाते हैं, छोटे भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। मान के चलो 2 महीने स्टे लग गया, तो 2 महीने 2 दिन और स्टे लगेगा, एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, दैट वुड बी एक्सक्लूडेड। हाँ जी, समझ में आया, ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। एक तो कंटिन्यू वाली बात, एक दिन जिस दिन स्टे लगा, एक दिन जिस दिन स्टे हटा, इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखना, ये शॉर्ट नोट्स बना लीजिए इसके। नाउ देन वी हैव इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन,
ओके, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जब हम लिमिटेशन की बात करेंगे, गणना करेंगे, फॉर एनी सूट ऑफ विच द नोटिस हैज बीन गिवन. अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ मामले को इंस्टीट्यूट करने से पहले, किसी भी मामले, कई मामलों को इंस्टीट्यूट करने से पहले हमें नोटिस देना पड़ता है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को. कहीं लिखा है ये बात? Is there any, कहीं लिखा है? हाँ जी, 79, CPC 79 80 80, not 79 80. ठीक है, कितना दिन का नोटिस है? 2 months. Two months है, 60 days है. 60 days only. देखो बैरेक्स है आपके पास, मैं तो आपको क्लियर कर रहा हूँ. डाउट क्लियर, डाउट क्रिएट करो, आंसर ढूंढो, ढूंढो सेक्शन 18 में क्या लिखा है, याद भी रह जाएगा ना, नहीं तो कई बार गड़बड़ हो जाएगी, कई बार ऐसे दे देंगे पेपर में. अच्छा ये चीज ध्यान रखना, जहाँ 2 months है वहाँ 2 months ही लिखने हैं, जहाँ 80 days लिखे हैं वहाँ डेज में लिखा है, वहां पे डेज में ही लिखना है. 2 months, ठीक है. और सेक्शन 80 है, 79 नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पेपर में फंस जाओगे नहीं तो. 2 months. ओके, सो इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन और फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट, प्रीवियस कंसेंट की बात कहां लिखी, या सेंशन, सेक्शन 86 लिख लीजिए. कई बार हमें फॉरेन डेलीगेट्स पे, एम्बेसडर्स पे जब हमें सूट भी फाइल करना है तो पहले हमें सेंशन चाहिए होती है, ठीक है. तो उन मामलों में जो मुझे टाइम लगा होगा, वो नोटिस को इश्यू करने के बाद नोटिस पेंडिंग रहा होगा, उनका रिप्लाई आया होगा, ये सेंशन लेने में जो टाइम लगा होगा, इज रिक्वायर्ड, जो भी टाइम लगा होगा, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, the period of such notice or as the case may be, the time required for obtaining such consent or sanction shall be excluded. वो समय निकाल दिया जाएगा, ठीक है. हाँ जी, कौन कौन सी सिचुएशन, नोटिस या लिख लीजिए अपना, नोटिस और सेकेंड क्या है, सेंशन, कंसेंट और सेंशन, ठीक है. कंसेंट और सेंशन लेने में जो समय लगा होगा, दैट वुड बी एक्सक्लूडेड. नाउ एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सेंशन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी, द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन वॉज मेड, जिस दिन, अरे एक दिन तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सेंशन, एंड द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आएगा, 2 दिन यहाँ पे भी एक्सक्लूड हो रहे हैं. जिस दिन एप्लीकेशन बनी, जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव हुई, और अथॉरिटी शैल बोथ बी काउंटेड. ये काउंटेड वर्ड क्या लिखा है, ये काउंटेड वर्ड जो यूज हो रहा है, इट इज यूज इन द रेफरेंस ऑफ एक्सक्लूडिंग. समझ में आई बात? हाँ जी. हाँ सर, कहीं पर तो काउंटेड लिखा है, कहीं पे एक्सक्लूडेड लिखा है, ये समझ नहीं आ रहा. काउंटेड का मतलब होता है इन दोनों को भी काउंट करेंगे एक्सक्लूड करने में, ठीक है. दोबारा सुन लीजिए, ये जो लिखा है वर्ड काउंटेड, इन वर्ड को काउंट किया जाएगा इन एक्सक्लूडिंग में. अरे ये क्या लिखा है हर्षना, ये क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग, पढ़िए जरा सेंटेंस. मुझे पता है यहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चे, उन्हें लगता है ये काउंट अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं. पढ़ो जरा एक बार, खुद पढ़िए. इन एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्टेनिंग द कंसेंट. यामनी समझ में आ गया ये? यस सर. ये जो काउंटेड वर्ड है क्यों लिखा है? सर वो बिगनिंग में इन एक्सक्लूडिंग लिखा है तो उसके साथ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, एक्सक्लूड करने में उसे कंसीडर किया जाएगा इस टाइम. ये एक्सक्लूड करने में है, ठीक है, ठीक है. या हर्षना, ये जो टाइम पीरियड है काउंटेड, दोनों दिन काउंट होंगे, जिस दिन आपने एप्लीकेशन बनाई. चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिस दिन आप, एक सेकेंड, जिस दिन आपने एप्लीकेशन बनाई, आपने नोटिस बनाया, नोटिस, नोटिस बनाया, ठीक है, आपने एक नोटिस बनाया, एप्लीकेशन बनाई,
और सामने वाले को गवर्नमेंट को रिसीव्ड हुआ एंड द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऑर्डर हमें रिसीव हुआ जिस दिन मैंने बनाया, ये भी निकाला जाएगा, ये भी निकाला जाएगा, यानी दो दिन और एक्सक्लूड हो जाएंगे, यानी मुझे दो दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है? यस सर। तो सर इसको आप डेट के वैसे करके एक बार मतलब एक एक तारीख को अगर आपने एप्लीकेशन बनाई और 10 और नेक्स्ट 2 मंथ बाद जो भी डेट आएगी उस पे वापस गवर्नमेंट का रिप्लाई आएगा तो 1 अक्टूबर को मैंने ही भेजा नोटिस, भेजा ये एप्लीकेशन भेजी, 1 को मैंने भेजा, मान के चलो उन्होंने मेरे को 1 महीने में रिप्लाई दिया, 1 महीने का रिप्लाई क्या हो गया, 30 अक्टूबर को दिया, 30 दिन बाद दिया, 30 दिन तो एक्सक्लूड होंगे या नहीं होंगे? यस सर, ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये वाली जो डेट है ना 1 तारीख, ये भी एक्सक्लूड होगा, 30 तारीख भी एक्सक्लूड होगा, इज दैट क्लियर? दोनों दिन एक्सक्लूड होंगे, तो टोटल कितने डेज हो जाएंगे सर यहाँ पे? टोटल 30 डेज। ओके, थोड़ी सी और गड़बड़ वाली डेटे ले लेते हैं तो सीधी सीधी ले लिए, 21 कर दो, 21 अक्टूबर, और इसको कर देते हैं हम 30 नवंबर कर लेते हैं, 11, तो ये डेट भी 21 नवंबर भी एक्सक्लूड होगी, 30 भी एक्सक्लूड होगी, ठीक है? दोनों दिन एक्सक्लूड होंगे, बाकी बीच के दिन तो एक्सक्लूड हो ही रहे हैं, लेकिन ये दोनों दिन भी एक्सक्लूड होंगे। ओके सर। In computing the period of limitation for any suit or application for execution of a decree by an okay, अब यहाँ से देखो कई सारे ऐसी चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं सारा चीजें ना यहीं पे लिख रहा हूँ बैरेट पे ही, क्योंकि यहाँ पे इजिली समझ में आ जाता है आप लोगों। In computing the period of limitation, जब limitation period की बात आएगी, कौन से मामलों में? For any suit or application for execution of a decree by any receiver or interim receiver, दो बातें लिखी हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक तो receiver है और एक interim receiver है, appointed in the proceeding for adjudication of a person of an insolvent, बात किसकी हो रही है? एक insolvent की हो रही है आदमी की, और any liquidator, और बात हो रही है liquidator की और provisional liquidator की, appointed in the proceeding for the winding up of the company, अब मैं इसको वैसे समझाता हूँ आपको लिख के, एक तरफ तो बात हो रही है एक इंसॉल्वेंट इंसान की, एक तरफ बात हो रही है कंपनी की। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी इंसॉल्वेंट होता है या कंपनी इंसॉल्वेंट होती है? आदमी इंसान या इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होगा, उसका दिवालिया निकलेगा, वैसे इंसॉल्वेंसी ऑफ दी क्या नाम है आईबीसी एक्ट भी है, कोड भी है, लेकिन कंपनी जो होती है वो वाइंडिंग अप होती है, दिवालिया तो कंपनी का भी निकलता है लेकिन उसको हम वाइंडिंग अप करते हैं। वाइंडिंग अप कौन करता है? कौन करता है यामिनी? कोर्ट। हाँ हाई कोर्ट। कोर्ट तो चलो कोर्ट करेगा, उसके बाद अपॉइंट कौन होगा? लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर, ठीक है, या तो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा या प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, लेकिन अगर कोई इंसान इंसॉल्वेंट होगा तो कौन अपॉइंट होगा? रिसीवर अपॉइंट होगा, या वो अपॉइंट होगा इंटरिम रिसीवर, ठीक है? समझ में आ गया डिफरेंस? गोला बना देता हूं। अब इन मामलों में क्या होगा, रिसीवर ने जो टाइम लिया होगा, देखो द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग, जब ये स्टार्ट हुई होगी प्रोसीडिंग, and ending with the expiry of the 3 months from the date of appointment of such receiver or liquidator, jis din se humne ye appoint kiye hain receiver of liquidator ko, as the case may be, shall be excluded, yani ye time period sara exclude ho jayega, theek hai? kaun sa time period exclude hoga? from the date of appointment of the such receiver, jis din humne receiver liquidator ko appoint kiya hoga, ab receiver of liquidator bhi to time lenge na cheezon ko wind up karne mein, theek hai? तो वो जो टाइम पीरियड लगा होगा दैट विल बी एक्सक्लूडेड। कौन सा टाइम पीरियड? देखो यहाँ पढ़ते हैं, द पीरियड ऑफ बिगिनिंग विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सच प्रोसीडिंग, जिस दिन वो प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई होगी, एंड एंडिंग अप विद द एक्सपायरी ऑफ द 3 मंथ्स, तो ये जो टाइम पीरियड है दैट विल बी एक्सक्लूडेड इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंट के केस में और कंपनी वाइंडिंग अप के केस में। आप इसको ध्यान रखना,
from the date of appointment of such receiver of liquidator as the case may be shall be excluded. ये सारा time period exclude कर दिया जाएगा. हाँ जी, clear है? Now let's proceed fourth. Fourth point क्या कहता है? Fourth कहता है in computing the period of limitation for a suit for possession. ये थोड़ा technical है, ध्यान रखना. In computing the period of limitation for a suit for possession by a purchaser at a sale in execution of a decree, the time during which the proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded. इसको हम एक example से समझते हैं. Example से समझते हैं इसको. Suppose कीजिए एक A इंसान है, एक B है. ए ने ये कहा कि भैया मैं आपका बी का मकान खरीदना चाहता हूं, यानी उसने एक प्रपोजल दिया और बी वाज रेडी टू सेल हिज प्रॉपर्टी. बी जो है अपना मकान बेचने के लिए रेडी है. बी कहता है कि भाई ठीक है, मेरा ये घर है, मैं इसको आपको बेचूंगा. कॉन्ट्रैक्ट इनका हुआ कि भाई मकान खरीदेंगे, सेल की बात हो रही है. कितने का? 10 लाख रुपए का मान के चल लेते हैं, 10 लाख रुपीज का. अब ए ने क्या करा? ए ने अपना परफॉर्मेंस तो कर दिया, ए ने 10 लाख रुपए पे कर दिए. किसको? बी को 10 लाख रुपए पूरा पे कर दिया. लेकिन बी जो है वो मना करता है कि भाई मैं तो नहीं बेचूंगा. बी डिनाइज, अल्टीमेटली मना करता. अब एक बात बताइए, ए के पास क्या रेमेडी है? व्हाट इज द रेमेडी ए इज हैविंग? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. हाँ जी बिल्कुल, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में चला जाएगा फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ये इसके पास रेमेडी है. लेकिन सपोज मान के चलो बी किस लिए चला गया है? बी कोर्ट में बी चला गया है. कौन चला गया? बी. और बी किस लिए गया है कि भैया सेट असाइड करवाइए सेल को, ये जो सेल है सो खारिज करवाइए. बी ही चला जाता है कोर्ट में, बी पहले चला गया. तो जब तक ये सेट असाइड नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी बी ने केस फाइल कर दिया ना कोर्ट में फॉर सेटिंग असाइड ऑफ अ सेल, तो जब तक ये मामला चलेगा तो ए का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा क्या? ए क्या कर सकता है? ए भी तो क्या कर सकता है? रिकवरी ऑफ मनी कर सकता है ना, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी. जो इसने पैसा दिया है, ए क्या कर सकता है? सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी. या ए क्या कर सकता है? ए फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा सकता है. जा सकता है? नहीं जा सकता ए? यस नो बोलिए. ए क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा सकता है? नहीं जा सकता है. या तो ये रिकवरी कर ले, पैसा वापस ले ले, सूट फॉर रिकवरी ऑफ अननेस मनी डबल, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए चला जाए. दोनों में से एक के लिए जा ही सकता है. लेकिन इसके एक्शन लेने से पहले बी चला गया कोर्ट में और उसने कहा भाई ये सेट असाइड करवाइए सेल. तो एक बार बताइए, कोर्ट पहले ए बी की बात सुनेगी या ए सूट फाइल कर दे? दोनों चीज साथ साथ फाइल हो जाए. जब तक कोर्ट इस पर डिसीजन नहीं लेती है, जब तक कोर्ट डिसीजन ले रही है और इसमें जितना भी टाइम लगेगा, तो ए को मान के चलो यहाँ पर सेट असाइड वाले मामले में कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया होगा, जो भी टाइम लगा होगा, वो टाइम ए को एक्स्ट्रा मिलेगा. क्योंकि देखो सपोज मान के चलो ये वाली जब बी ने सूट फाइल करा, इसमें 5 साल लग गए, ठीक है, 5 years हो गए. और ए को जो रिकवरी ऑफ मनी का सूट या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितना साल का टाइम पीरियड होता है इसमें? 3 years. अरे 3 years ही होता है मोटे तौर पर, 3 साल ही होता. अरे 5 साल इसमें लग गए बेचारा. इस सूट की वजह से बी ने जो सूट फाइल करा, ये तो सूट फाइल कर ही नहीं पाया. तो जो ये सेट असाइडिंग का टाइम लगा, तो क्या ए को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? पढ़िए जरा बेरेट. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द सूट फॉर पोजेशन बाय द परचेजर एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री द टाइम ड्यूरिंग विद द प्रोसीडिंग्स टू द सेट असाइड. देखो दोबारा पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे. द टाइम ड्यूरिंग विच अ प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी excluded. जो underline करा ना yellow से, इसी को पढ़ लीजिए एक बार दोबारा. In computing the period of limitation for a suit for possession, क्योंकि A तो चाहता है ना मुझे possession मिले, क्योंकि मैंने purchase की है property sale में in execution of a decree, the time during which the proceeding
एट सेट असाइड द सेल हैज बीन प्रोसिक्यूटेड, जो टाइम लगा किसको सेट असाइड करने में, सेल वाली बात को, शैल बी एक्सक्लूडेड. अब चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, सारा, क्योंकि कोर्ट में है ना हम, तो ठीक है वो सारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा. सर जिसने प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खरीदी वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में खरीदी होगी वो वाली प्रॉपर्टी. हाँ जी, एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर पोजेशन, यानी जिसने पैसा दिया है वो पोजेशन चाहता है, एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री. ये थोड़ा स्पेसिफिक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, स्पेसिफिक बात है. एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, ये चीज भी ध्यान रखना. द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग एट अ सेट असाइड द सेल हैज बीन, जितना समय उसको सेट असाइड करवाने में लगा होगा ना सेल को, वो सारा टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा. क्लियर है? देन वी हैव इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विद द डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया. अरे ये तो सिंपल सा है, कौन इंडिया से बाहर रहा, कौन रहा इंडिया से बाहर, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, जल्दी बोलिए, कम ऑन. डिफेंडेंट, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ मत कर देना, ऑप्शन में डिफेंड प्लेंटिफ लिख के देंगे. अरे डिफेंडेंट नहीं था तो आप प्रोसिक्यूट किसको करोगे, कोई इंसान तो होना चाहिए जिसको प्रोसिक्यूट करो, जिसको, जिसके अगेंस्ट आप केस फाइल करेंगे. सो द इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विद द डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से वो बाहर ही था, एंड इंडिया से तो बाहर ही था, फॉरेन कंट्री में हो सकता है, एंड फ्रॉम द टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, इंडिया की टेरिटरी से जो चीज बाहर आती है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. भाई ऐसा भी होता है कई बार इंडिया से कुछ चीज बाहर है लेकिन उस पर सरकार का हक है इंडिया का, तो विद इन इंडिया ही मानी जाएगी. मान ये मान के चलो वो एक ऐसी टेरिटरी पे था जहां पर इंडिया का कंट्रोल नहीं है, ना ही केंद्र सरकार का कंट्रोल है. अगर वो वहां पर था तो ये मान लिया जाएगा वो जो टाइम पीरियड जितने दौरान वो डिफेंडेंट बाहर रहा, दैट वुड बी एक्सक्लूडेड. ठीक है, यानी उसको एडिशनल एडवांटेज मिलेगा प्लेंटिफ को फॉर फाइलिंग ऑफ अ सूट. ओके, एनी सूट लिखा है यहाँ पर, ठीक है, सूट, तो प्लेंटिफ को एडिटेड एडवांटेज मिलेगा क्योंकि वो भाग गया तो किसके खिलाफ वो सूट फाइल करता, बाहर है वो. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड वी हैव कवर्ड सेक्शन 15 टिल 15 ऑनवर्ड्स, 16 ऑनवर्ड्स हम कल कर